जैसा कि पार्ट वन में हमने पेज नंबर 60 तक डिस्कस किया था सेल मेम्ब्रेन के बारे में, और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन तक अपन ने लास्ट में पेज नंबर 60 तक डिस्कस किया था। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे जो कि है सेल वॉल। जैसे कि एनिमल सेल में सेल के ऊपर एक कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, सिमिलरली प्लांट सेल में क्या होता है, सेल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है और उसके ऊपर और एक एडिशनल कवरिंग होती है जिसे बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल में मेनली सेलुलर सब्सटेंस होता है जो सेल को रिजिडिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जो प्लांट को रिजिडिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। और ये सेल वॉल क्या करता है, जो कोई भी प्लांट्स बैक्टीरिया या फंगाई होते हैं ना, उनको उनका सोल्यूशन मेंटेन रखता है। मतलब अगर जब प्रेशर ज़्यादा हो जा रहा है या प्रेशर ग्रेडियंट इंक्रीज हो जा रहा है या सोल्यूशन में चेंजेस हो रहे तो सेल बर्स्ट ना हो सके, वो प्रेशर मेंटेन कर सके। तो बेसिक फंक्शन सेल वॉल का यही है। अब जैसा कि मैंने पहले बोला था, तीन स्ट्रक्चर अपन को मेन इंपॉर्टेंट है सेल के, जो कि है सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे जो कि है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की अगर बात करें तो केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से डिफरेंट रीजन ऑफ सेल गेट कलर डिफरेंटली, सम रीजन्स अपीयर डार्कर देन अदर रीजन्स अपार्ट फ्रॉम द आयोडीन सॉल्यूशन। मतलब अलग अलग सॉल्यूशन जब हम यूज़ करेंगे तो अलग अलग स्ट्रेन के हिसाब से ये हमें दिखते हैं। बेसिकली न्यूक्लियस डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर डबल लेयर कवरिंग है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में थोड़े बहुत पोर्स होते हैं जो मटेरियल को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि रॉड शेप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है जो मेन, जिसका फंक्शन क्या है, इनहेरिटेंस का, मतलब जो जीन्स को ट्रांसफर करता है। मतलब बेसिकली डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। तो क्रोमोसोम्स क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल सिक्रेट करता है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जो जीन्स पास आउट हो रही है वो हेल्प करने में, वो हेल्प कौन करता है, न्यूक्लियस। और क्रोमोसोम्स के अंदर मेनली डीएनए और प्रोटीन्स होते हैं, और फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए को क्या बोलते हैं, जीन्स। जीन्स बेसिकली क्या है, जो डीएनए के फंक्शनल सेगमेंट्स है उसे जीन्स बोलते हैं, और डीएनए एक क्रोमेटिन मटेरियल की तरह प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम के अंदर। इसीलिए न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा सेलुलर रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, मतलब सेल डिवीजन में हेल्प कर रहा है, सारी केमिकल एक्टिविटीज़ बराबर हो रही है नहीं, वो सब देख रेख करने में सबसे ज़्यादा रोल प्ले कौन करता है, न्यूक्लियस। अब अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियस ऑर्गेनिज्म को हम दो में क्लासिफाई कर सकते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब जो ऑर्गेनिज्म जिनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है उन्हें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, और जिन ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है उन्हें यूकैरियोटिक बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनल्स भी वेल डेवलप्ड नहीं हो पाते हैं, और यूकैरियोटिक में पूरा सेल, सेल ऑर्गेनल्स और न्यूक्लियस सब वेल डेवलप्ड होते हैं। तो ये सारी बात थी न्यूक्लियस की। जैसा कि प्रोकैरियोटिक सेल का अपन को डायग्राम भी देख सकते हैं अपन फिगर 5.4 ऑन पेज नंबर 62। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म क्या है, जैसा कि मैंने बोला सेल, सेल के ऊपर एक कवरिंग है सेल मेम्ब्रेन की और सेंटर में न्यूक्लियस। अब सेल के अंदर ही एक जेली लाइक फ्लूइड है जिसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और इसी के अंदर सारे ऑर्गेनल्स हैं, और ये मेम्ब्रेन प्रोवाइड करता है सारे सेल ऑर्गेनल्स को प्रॉपर फंक्शन वगैरह करने के लिए। अब कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 63। इसमें हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में कि सेल ऑर्गेनल्स क्या है। जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स होते हैं उसी तरीके के सेल ऑर्गेनल्स है, सेल के अलग अलग अंदर पार्ट्स, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, गोल्जी अपैरेटस हुआ, फूड वैक्यूल्स हुआ एक्सेट्रा। तो सेल ऑर्गेनल्स क्या है, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स इंक्लूडिंग सेल्स फ्रॉम मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म नीड अ केमिकल एक्टिविटीज टू सपोर्ट देयर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर। मतलब बहुत सारे सेल्स को अपनी अलग अलग, सारे डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग सेल के फंक्शंस हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, एक लार्ज नेटवर्क है, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब नेटवर्क है जो शीट्स या ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। मतलब अगर उनका स्ट्रक्चर देखा जाए तो बड़े बड़े ट्यूब लाइक नेटवर्क्स है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह स्ट्रक्चर वाइज दिखते हैं। दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे SER और RER के नाम से भी जाना जाता है। अब RER को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके ऊपर राइबोसोम अटैच होते हैं, और ये राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन मैन्युफैक्चर करते हैं। बेसिक फंक्शन राइबोसोम का क्या है, प्रोटीन मैन्युफैक्चर करने का। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, फैट मॉलिक्यूल्स मैन्युफैक्चर करता है। तो इन दोनों का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस भी बोलते हैं, क्योंकि ये सारा जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये सब बनाना वगैरह, वो बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हर एक सेल में अलग अलग फॉर्म में नेटवर्क बना के रखता है, और इनका ये लोग सरफेस एरिया भी बढ़ा के देते हैं इन प्लांट सेल्स,
इन लिवर सेल्स ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, जैसे एनिमल्स वर्टिब्रेट्स में क्या करते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्रोवाइड करता है, जो कि जो भी ड्रग या जो भी पॉइजन वगैरह है उसे डिटॉक्स करना, मतलब उसे हमारी बॉडी से निकाल देना। जैसा कि फिगर 5.6 में हम देख भी सकते हैं, सारे प्लांट सेल के पार्ट्स हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस सबसे पहले कैमेलियो गोल्गी ने डिस्क्राइब किया था, और उनका स्ट्रक्चर क्या है, ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स है, मतलब मेम्ब्रेन कवरिंग है, और एक स्टैक में मतलब एक ग्रुप में अरेंज है, जिसे बोलते हैं सिस्टेंस, और ये कनेक्शंस में। अब बेसिक फंक्शन क्या है, एक बार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन मैन्युफैक्चर कर दिया, तो गोल्जी अपैरेटस क्या करता है, इसको स्टोर करता है और पैकेजिंग में हेल्प करता है, और ये गोल्जी अपैरेटस कुछ हद तक लाइसोसोम फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है।